नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो पिछले कई समय से स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमने पुराने नर्सिंग एग्ज़ाम्स के कुछ पेपरों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है व उनके आंसर्स को डिटेल से बताने की कोशिश की है। लेट्स स्टार्ट स्टाफ नर्स नॉन स्टॉप क्वेश्चन एंड आंसर्स हिंदी ऑडियो। उस डिजीज कंडीशन का नाम बताइए जिसमें मनुष्य का चेस्ट बैरल शेप्ड हो जाता है। एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज द राइट आंसर। एम्फाइसीमा क्रॉनिक डिजीज है जो कि फेफड़ों से संबंधित है। इसे COPD के अंतर्गत रखा गया है। इस डिजीज की शुरुआत में मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी ड्यूरेशन कितने दिन का होता है? आंसर 280 डेज। 280 डेज फ्रॉम LMP। LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और वी कैन से 40 वीक। ट्रू गेस्टेशनल पीरियड 266 डेज का होता है। इसे ओव्यूलेशन से काउंट किया जाता है या हम यूँ कह सकते हैं टोटल ड्यूरेशन यानी 280 डेज माइनस 14 डेज इक्वल्स 266। 266 डेज इज अ ट्रू गेस्टेशनल पीरियड। नेगल्स फॉर्मूला एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डे इक्वल्स एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर SA नोड। SA नोड को हम साइनो एट्रियल नोड या साइनस नोड के नाम से भी जानते हैं जो कि हार्ट का नेचुरल पेसमेकर है यानी इम्पल्स जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा हम किस चीज का डिटेक्शन करते हैं? आंसर शुगर। बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा हम शुगर का डिटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का IQ लेवल कैलकुलेट करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है? IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वेशेंट। द फॉर्मूला इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा हम इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर का मापन कर सकते हैं? आंसर टोनोमीटर। टोनोमीटर के द्वारा हम इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर का मापन कर सकते हैं। जनरली इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ग्लूकोमा पेशेंट्स में बढ़ा हुआ होता है। वह इस पूरे प्रोसीजर को ऑक्यूलर टोनोमेट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड की नॉर्मल pH क्या है? आंसर 7.35 से 7.45। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो कि ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री अधिक है। न्यूबॉर्न बेबी में लगभग 450 ml ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल वेजाइनल सिक्रेशन का pH कितना होता है? आंसर अप्रॉक्सीमेटली 4.5। एक्सटर्नल व इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कनेक्ट करने वाली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइब्रोमस्क्यूलर कैनाल वेजाइना कहलाती है। इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है।
वेजाइना का एसिडिक पीएच डोडर्नल बेसिलाई के द्वारा ग्लाइकोजन के लैक्टिक एसिड में कन्वर्शन के कारण होता है। हमारे शरीर में नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है? आंसर 135 से 145 MEQ पर L। सोडियम इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल दोनों ही है। यह हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। सोडियम के द्वारा नर्व व मसल्स सही तरीके से काम कर पाते हैं। ज़्यादातर सोडियम ब्लड और लिम्फ फ्लूइड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्स डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? आंसर पैरामिक्सो वायरस। इस डिजीज में फीवर, पेन, स्वेलिंग इन वन और बोथ पैराटॉइड ग्लैंड देखा जाता है। इस डिजीज का कॉम्प्लिकेशन असेप्टिक मेनिंजाइटिस, ऑर्चाइटिस, मैनिंगो एनसेफेलाइटिस हो सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए MMR वैक्सीन लगाया जाता है, जिसकी डोज 0.5 ml व रूट सबक्यूटेनियस होता है व इसे 15 से 18 माह की उम्र में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट बर्थ बेबी का हेड सर्कमफ्रांस कितना होता है? आंसर 33 से 35 सेंटीमीटर। उसी समय बेबी का चेस्ट सर्कमफ्रांस कितना होता है? लगभग 30 से 33 सेंटीमीटर। एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सर्कमफ्रांस से चेस्ट सर्कमफ्रांस 3 सेंटीमीटर कम होता है। एक साल की उम्र पर हेड सर्कमफ्रांस और चेस्ट सर्कमफ्रांस इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनियर्स डिजीज हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? आंसर ईयर। मेनियर्स डिजीज ईयर में होने वाली डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल ब्लड फ्लो रेट थ्रू प्लेसेंटा कितनी होती है? आंसर अप्रॉक्सीमेटली 400 ml पर मिनट। फीटस में अम्बिलिकल वेन्स ऑक्सीजनेटेड फ्रेश ब्लड कैरी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हम एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से भी जानते हैं? आंसर विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं। वेजिटेबल्स में विटामिन ए कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, जिसे प्रो विटामिन ए कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में यह रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन ए मुख्य रूप से नॉर्मल विजन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में वॉमिटिंग सेंटर कहाँ स्थित है? आंसर मेड्यूला ओब्लोंगेटा में। मेड्यूला ओब्लोंगेटा हमारे शरीर में पाए जाने वाली वह स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कई एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, जैसे हार्ट रेट, ब्रीथिंग, ब्लड वेसल डायलेशन, डाइजेशन, वॉमिटिंग, स्वालोविंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा। मेड्यूला ओब्लोंगेटा ब्रेन स्टेम का पार्ट है जो कि पोन्स के जस्ट नीचे व स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक टेस्ट किस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? आंसर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि गले व नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइटॉट स्पॉट कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है? आंसर विटामिन ए डेफिशिएंसी।
फिश लीवर ऑयल विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? आंसर न्यूरॉन। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल व फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन्स के अंदर तीन मुख्य पार्ट्स होते हैं, नर्व सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस तथा इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है। डेंड्राइट संदेश को रिसीव करने वाला पार्ट है, अतः इसे न्यूरॉन का इनपुट रीजन भी कहते हैं। एक्सॉन यह न्यूरॉन का लॉन्गर प्रोसेस है। लॉन्गेस्ट एक्सॉन की लेंथ लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। एक्सॉन न्यूरॉन का आउटपुट रीजन है जो इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? आंसर इंट्राडर्मल। BCG वैक्सीन फुल फॉर्म बेसिलस कालमेटी गुवेरिन, यह वैक्सीन ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज की रोकथाम हेतु उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG रिपोर्ट में प्रोमिनेंट यू वेव अगर आए तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? आंसर प्रोमिनेंट यू वेव ECG में हाइपोकैलीमिया को प्रदर्शित करती है। हाइपोकैलीमिया में लो पोटेशियम लेवल हो जाता है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल 3.5 से 5.0 mmol पर एल होता है। यदि बॉडी में पोटेशियम का लेवल 3.5 mmol पर एल से कम हो, यह कंडीशन हाइपोकैलीमिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक बोन फीवर को हम और किस नाम से जानते हैं? आंसर डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एक मॉस्क्यूटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज है जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू फीवर के सिम्टम्स रैश, फीवर, चिल्स, फैटिक, हेडेक, जॉइंट पेन एक्सेट्रा होते हैं।